नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कैमरिन फाइंस साइंसेज शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कंपनी कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पिछले 5 सालों की जो है परफॉर्मेंस को देखना होगा, भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नुकसान कर रही है। उसके बाद जो एक्सपर्ट के द्वारा ये वैल्यू निकाली जाती है, जो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हम जो टारगेट वैल्यू को तो एक बार साइड में रख के सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को और अन्य चीज़ों को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। तो पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो 17 दिसंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 54 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, 54 रुपये के आसपास। और अगर हम इसको 5 सालों के बाद देखें तो यह वैल्यू 131 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है 31 दिसंबर 2023 को, और मैक्सिमम गई है 230 तक, यानी 54 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रही थी 2019 में, और अभी 2023 में 230 तक दी है। मतलब लगभग जो है कंपनी ने 4 गुना या 5 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में, तो एक प्लस पॉइंट है, इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 के टाइम में कंपनी है 905 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम सिर्फ बना रही थी 58 लाख की, 0.58 करोड़ की। ठीक है, और अगर 5 साल के बाद देखें 2023 में, तो कंपनी अभी बना रही है 1687 करोड़ का रेवेन्यू और नेट इनकम 52 करोड़ की। तो देखिए, नेट इनकम में कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली 5 सालों में, और रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली, यानी जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है इसमें निवेश करने का। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। अभी हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कंपनी जो अपने एसेट्स है, ऑफिस वगैरह या कारखाने वगैरह है, उनको लगातार बेच रही हो या कम कर रही हो। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है निवेशकों के लिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1086 करोड़ का, कंपनी के पास 1086 करोड़ की संपत्ति थी 2019 में, और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद, तो कंपनी के पास 2044 करोड़ की संपत्ति है। तो यानी कंपनी की संपत्ति लगभग डबल हो गई है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है, कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। अभी यदि हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्योंकि जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बना रही है, पर क्या कंपनी अपने निवेशकों को भी इसका लाभ दे पा रही है। तो कंपनी ने 2016 में, 15 में, 14 में, 13 में और 12 में, 2016 में कंपनी ने लास्ट डिविडेंड दिया था, उसके बाद भी किसी प्रकार का कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, जो कि कंपनी के अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के संकेत नहीं करता ये, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो आखिर 2016 के बाद कंपनी ने डिविडेंड क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। तो अभी हमारे पास 3 प्लस पॉइंट और 1 माइनस पॉइंट हुआ। अब देखते हैं आगे हमें कौन सा पॉइंट मिलता है। अभी हम देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 48% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के द्वारा 2.74% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। और उसके बाद आएगा, उसके बाद देखिए हम, तो देखिए यहाँ पे आता है दोस्तों अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा की गई होल्डिंग 1.16% की, जो कि लगभग ज़्यादा तो नहीं है, पर इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर इसमें 1.61% की मात्रा में रहे हुए, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर जैसा कि हम जानते हैं भाई, अगर 25 से 30% से ज़्यादा होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, 46% काफ़ी ज़्यादा होता है रिटेल इन्वेस्टर, इसलिए इसको एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई इसमें रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ चुके हैं, जो कि कुछ मायने में अच्छा नहीं माना जाता, पर अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट गिन सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर भी कुछ मात्रा में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपनी की फ्यूचर स्कोप और हिस्ट्री दी हुई है, कंपनी ने कैसे शुरुआत की थी और कंपनी आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है और कितनी ग्रोथ करने की जो है पोटेंशियल रखती है। ठीक है, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कंपटीटर्स दिए वो कंक्लूजन दिया हुआ है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, शॉर्ट टर्म में करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सारी चीज़ों को रीड करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हो, इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी देखने मिलेगी। अब बात करते हुए टारगेट वैल्यू की, आखिर टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर देखिए हम 2024 में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 195 से लेके 245 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 के साल में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू
265 से लेकर 310 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है, तो दोस्तों ये जानकारी यहाँ पे दी हुई है, उस बेस पे जो है ये अंदाज वैल्यू निकाली जाती है। और 2030 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 890 से लेकर 980 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सब चीज़ें रीड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।